ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अब टाइम हो रहा है 3:04 हो गए हैं। तो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि पिछले काफ़ी दिनों से ना मैं मतलब घर में ही कैद हूँ घर में कैद हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से। तो अभी जो है मैं निकला हूँ घर से बाहर, और क्योंकि जैसे आप सबको पता ही है कि यार हमारे चैनल के ऊपर कुछ खास ग्रोथ तो हो नहीं रही है ना, कुछ खास चल तो रहा नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यार अभी आज निकल जाते हैं, क्योंकि अभी तो यार हमारा चैनल जो है स्टार्टिंग फेज पे ही है, तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आग लगी थी हमारे, क्योंकि यहाँ पे आग लगती रहती है, नॉर्मल बात है, क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था तभी यहाँ पे जो है आग लगती रहती थी। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सूखे पत्ते पड़े ना यहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं वो सब फेंक देते हैं, क्योंकि आग यहाँ पे पीता है तो फिर लग जाती है आग, वो तो लगेगी लगेगी। तो अभी ये जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे आग बुझा रही हैं। एंड बेसिकली आपको अगर सही सही बताऊँ तो ये आर्मी वालों की होती हैं, मतलब जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि आर्मी इलाका ना तो वहीं सही होंगी। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी आप जुड़ जाओ हमारे साथ, हम कर रहे हैं कार मोटो व्लॉगिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो। तो अभी मैं निकालता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए जो है फंसे थोड़ी रहना है हमको वहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से लेते हैं निकाल और अब सीधे सीधे चलते चलती जाएंगे। ओके, तो हमारा जो रूट है हमेशा की तरह नॉर्मल, और आज देखते हैं कि हमें जो है क्या मिलता है कार मोटर व्लॉगिंग में। अरे भैंस की आँख, साइड हट जा, और साइड हट जा, ओए जहाज बना दूंगा नहीं तो एक और आ गई जहाज बनने के लिए, बहुत जल्दी है लोगों को। ओए ओए पुलिस की ओ भाई, थोड़ी अंदर कर ले तूने, देखो क्या ही बोल रहे हैं यार आर्मी वाले, पर थोड़ी सर थोड़ी अंदर कर लो, आपने मुझे रोड से उतार दिया। अबे यार इस ऑटो वाले की तो, क्योंकि अगर जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो फिर तेजी से आने का, और अगर तेजी से नहीं आ सकते तो फिर मेरे को जाने का। ओ भाई साहब आज क्या हो रहा है लोगों को, ओ भाई साहब तुझे क्या हो गया, ओ आज लोगों को हो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई लोगों को, अजीब है, बहुत ही अजीब है, अपनी लेन छोड़ के मेरी लेन में आ रहे, लगता चुम्मी करनी है इनको समझ रहे ना चुम्मी का मतलब क्या है, चुम्मी करनी है इनको लगता है कारों की, जिस हिसाब से आ रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि आज जो है अभी मेरे को मेरा जो प्लान है वो यही है कि मुझे जल्द से जल्द जो है वापस भी जाना है, क्योंकि मैं जो हूँ मेरा काम चल रहा है। ओहो वो भैंस की आँख, वो भैंस की आँख क्या कर रहा है लोंडा क्या कर रहे हैं लोडा, ड्राओ होते यार मत ड्राओ यार, मैं मतलब नन्ना मुन्ना सा ड्राइवर हूँ, मुझे कुछ खास चलानी नहीं आती, समझ रहे हो, पर मुझे पता नहीं यार लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि तू बहुत डेंजरस ड्राइव करता है, पर मुझे चलानी नहीं आती, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को। तो भाई थोड़ा देख दुख के, तो गाइस अगर आपको देख रहा हो तो गाइस यार पता नहीं थोड़ा मेरे को बता देना यार कि आपको कैमरे का जो व्यू है, कैमरे का एंगल कैसे लग रहा हो। लो जी चुम्मी फिर से चुम्मी करने आ रही है गाड़ी मुझसे अजीब है यार अपनी लेन छोड़ के। बेसिकली मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी रिसेंटली हुआ ये हुआ था, चंडीगढ़ जा रहे थे हमारे एरिया के लोग थे, मेरे को मेरे मम्मा ने बताया, क्योंकि वो होता ना कि घर जाकर क्या कहते हैं वो घर जाना पड़ता है, तो वो गए थे। तो सीन ये हुआ कि जेंटलमैन थे वैसे, तो वो ना अंकल का गाड़ी चला रहे थे, तो उनकी जो गलती थी, क्योंकि मेरा ये चैनल है इसके बारे में रोड के ऊपर क्या होता है एंड उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपको एक्सपीरियंसेस वगैरह सब बताता हूँ कि क्या होता है। तो वो उनकी गलती पता क्या थी, बेसिकली उनका एक्सीडेंट हुआ मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उस एक्सीडेंट में हुआ क्या, क्योंकि वो बहुत बुरी चीज़ हुई है, बट फिर भी मैं आपको एक्सीडेंट के बारे में बता देता हूँ। वो हुआ कुछ इस तरह से कि मम्मा कह रहे थे कि एक ट्रक था उनके आगे, और वो उन ट्रक को ओवरटेक करना चाहते थे, ठीक है, सिंगल लेन थी, मतलब सिंगल लेन में तो कि सिंगल रोड थी, ठीक है, डबल लेन तो रहेगी, सिंगल रोड, जैसे ये रोड है ना, बिल्कुल वैसी थी, ठीक है। तो हुआ कुछ इस तरह से कि वो जो अंकल हैं वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जब वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हुआ क्या कि आगे से ट्रक आ गया, जैसे अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, आगे ट्रक चल रहा है, इस वाली रेल मार्ग सामने से ट्रक आ गया, तो ट्रक को देखो, ट्रकों का सीन पता है क्या होता है, बात ये नहीं होता कि ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं मारते, मेन चीज़ ये होती है कि ट्रक
बहुत हैवी चीज है, बहुत ज्यादा हैवी चीज है, वो नहीं रुकता है, एक बार में नहीं रुकेगा ट्रक जब मतलब अगर वो चाहे। और सबसे खतरनाक बात जो है वो पता क्या है, सबसे खतरनाक बात, अगर देखो जितनी हैवी चीज होती है जब तुम उसके ऊपर ब्रेक मार दोगे वो ट्रक ड्राइवर के ट्रक का बैलेंस उड़ जाएगा, मतलब खिल जाएगा, वो नहीं संभाल पाएगा क्योंकि ट्रक की ब्रेक्स बहुत ज्यादा हैवी ब्रेक्स होती हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेक्स होती हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है वो संभालने के लिए। लेकिन वो ब्रेक्स मतलब लगती, मतलब अब ऐसे तो है नहीं ना कि ट्रक ऐसे रुक जाएगा, अब आपने ब्रेक मारी तो ट्रक ऐसे रुक जाएगा। अब ट्रेन में भी सेम चीज होती है, अब जैसे एक ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर, आपको ऐसे लगता है कि भाई गाय के साथ टक्कर होगी, कुत्ते के साथ टक्कर होगी, मतलब जैसे आपको ट्रैक्स में दिखते हैं किसी आदमी के साथ टक्कर होगी, दूर से दिख गई था ड्राइवर को फिर भी टक्कर होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर वो एमरजेंसी ब्रेक मारेगा ड्राइवर ट्रेन की, तो होता क्या है कि जो पिछली बग्गियां होती है ना, पिछली बग्गियां, तो बेसिकली अगर आपको पता होगा क्योंकि हर एक चीज मोमेंटम में है, पिछले जो उसके हैं जो बग्गीज हैं ट्रेन की, तो होता क्या है कि बस फिर जैसे तुमने टेंशन प्रोड्यूस करी, टेंशन ऐसे 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 होता है ना कि पहले जब ट्रेन चल रही होती है कि हर एक चीज़ ऐसे करके मतलब बेसिकली जुड़ी होती है साथ में, बट हर एक चीज खुली होती है, मतलब समझ रहे हो ना, वो खींच रहा है, हर एक चीज एक दूसरे को खींच रही है टेंशन के अकॉर्डिंग, और जैसे तुमने ब्रेक मारी तो तुमने हर एक चीज को पास में ला दिया, समझ रहे हो ना। तो और ये पीछे 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 जाते जाते ये फोर्स इंक्रीज होती जाती है, और फिर वो इसीलिए पिछली बग्गियां फिर वहां से उतर जाती है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक से। तो यही चीज ट्रक के साथ होती है, ट्रक बहुत हैवी होता है, सिंगल में ब्रेक नहीं होता, तो बस अनफॉर्चुनेटली यही सीन हुआ कि आगे से ट्रक आ रहा था, उनको लगा होगा कि ट्रक ड्राइवर ब्रेक मार देगा और मैं अब ओवरटेक कर लूंगा, तो पर ये नहीं हो पाया, तो बस अनफॉर्चुनेटली, मतलब कहने में भी डर लगता है, बट वो भाई साहब, भाई टैंक, वैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है, बट टैंक ये नॉर्मल चीज़ है क्योंकि मैं आर्मी इलाके में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल है। तो हुआ क्या कि वो सीधे ट्रक के नीचे चली गई उनकी कार, ट्रक के नीचे। अब ट्रक के नीचे जाने, कार का ट्रक के नीचे जाने का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या सीन हुआ है, कार की धजियां उड़ गई हैं, तो वही सीन है। बाकी मेरा बस आपको बताने का यही सीन है कि देखो सबसे पहली चीज, व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड, हमेशा मेक श्योर करो कि कभी भी बड़ी व्हीकल के पीछे नहीं लगना, कभी भी नहीं, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि कब वो जो आगे तुम्हारे ड्राइव कर रहा है वो कब ब्रेक मार देगा, फिर तुम्हें, क्योंकि जब भी वो ब्रेक मारेगा फिर तुम्हें खुद भी तो टाइम चाहिए अपनी गाड़ी को संभालने के लिए, उस एक्शन में आने के लिए, अगर तुम साथ में जुड़ जुड़ के चला रहे हो तो बस फिर हो गया। तुम हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करो, जब मौका मिले तो ओवरटेक करो, मतलब जैसे अब जैसे मैं चला रहा हूँ, मैं देखो आगे रोड पूरी खाली है, समझ रहे हो, अगर मेरे सामने कुछ जा रहा था मैं ओवरटेक करूँगा, जब मौका नहीं है ना ओवरटेक करने का, तो लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मत करो, सीधी बात है, मत करो, जिंदगी बहुत प्रीशियस है, लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ये बार बार नहीं मिलनी। हालांकि अब देखो, अब एक टाइम था जब आपने क्या कहते क्लास वन करी थी, समझ रहे हो ना, जब आप कभी मतलब एक टाइम था जब आप क्लास वन में थे, ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जाकर फिर से क्लास वन करो तो क्या वो पॉसिबल है, मतलब एक एक वे होता ना, एक मोमेंटम होता लाइफ का भी, तब उस मोमेंटम में हम जा थोड़ा ना सकते हो फिर से उसी एज में उसी वो, तो बस वही सीन है, लाइफ प्रीशियस है, तो इसको मतलब देख के जियो, बाकी तो आपके ऊपर है यार, आप समझदार हो, मेरे को लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए इंसिडेंट, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, तो आई होप आप समझोगे इस बात को, बाकी आपके ऊपर है यार, जो करना आपको आप कर सकते हो, कोई वो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई वो नहीं, आप जो आपका मन करे आप करो, यू आर फ्री, सो ऑलराइट गाइस, तो फिर अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल। और अगर आपको वीडियोस मतलब इन्फॉर्मेटिव या इन्फॉर्मेटिव में समझ, कि अगर आपको कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो इसको आप आगे शेयर कर सकते हो। शेयर करने के पीछे का रीज़न बस यही है कि देखो ज़िंदगी में क्या होता है कि हो सकता है किसी की ज़िंदगी बच जाए, लो आप समझ रहे हो ना, तो ठीक है, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल सर।